कहीं भी जो भी पीस इंटरलॉक्यूटर होता है चेयरमैन साहब, अगर उसको आप शहीद कर दें, निहत्ते मतलब वो सो रहे थे वहाँ उस घर में, उनको शहीद कर दें इन एन एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्ट ऑफ वॉर, इन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, तो कौन आपके सामने फिर खड़ा होगा उस अमन के अमल को शुरू करने, और कौन क्यों करे? क्योंकि आपने तो कह दिया कि हमने इसी उसी को फौरी तौर पर साबोटाज किया, और सारी दुनिया कम से कम ताकत के जो मरकज़ हैं उन्होंने इसे देखा, और कुछ रिवायती बातें हुई, कुछ गैर रिवायती, लेकिन रिजल्ट यही है, नतीजा ये है कि इस सिर्फ अमन के अमल को बिल्कुल एक उसकी धज्जियां बिखेरी, मगर जो कानून की बुनियाद पर एक आलमी निज़ाम बना हुआ है, यानी कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना है सर, उसकी भी धज्जियां बिखेरी हैं। यानी कि अब कोई कवानीन नहीं है, अब जो घुसे जो मर्जी आए कर सकता है वो वाजे हो गया है। हिंदुस्तान ने तो अपने कश्मीर इंडियन हेल्ड इलीगली इंडियन हेल्ड कश्मीर में किया है, और इसराइल ने घुस घुस के बेरूत में बॉम्बिंग की है उनके हिजबुल्ला के चीफ को की, फिर उन्होंने हमास की चीफ की बॉम्बिंग की है, पॉलिटिकल हेड जो थे इस्माइल हनिया, जिनके बच्चे उनकी पूरी नस्लें गजा की जंग में शहीद हुए हैं, 12 से ज़्यादा उनके फैमिली मेंबर्स गजा की जंग में शहीद हुए हैं। तो इसकी मजम्मत तो करना मैं समझती हूँ कम होगी, हम सब मजम्मत कर चुके हैं, लेकिन इसराइल को कौन पूछ रहा है, उनको कौन रोक रहा है, और उनकी जो इस वक्त अभी भी जारी है, अभी भी उनके जो मजालिम जारी हैं उनमें, इन दोनों में एक चीज़ मैं समझती हूँ कॉमन है चेयरमैन साहब, वो ये है कि दोनों में नस्ल कुशी हो रही है। दोनों आप हिंदुस्तान को ले लें और आप इसराइल को ले लें, दोनों ने ओपन प्रिजन्स बना दिए हैं इन इलाकों को, ऑक्यूपाइड है, दोनों ऑक्यूपायर्स हैं, दोनों कॉलोनियल प्रोजेक्ट सेटलर कॉलोनियलिज्म का मुरतब कर रहे हैं, और जो जराइम उनके हाथ से हो रहे हैं उनकी बुनियाद पर अब ना कोई अखलाकियात का निज़ाम रहा है, ना कोई रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर रहा है। ये तो वाज़े है कि अमन कि उन्होंने जो ज़रा सी पेशकश हुई थी, ज़रा सी पेशरफ्त हुई थी, यानी कि वहाँ ह्यूमैनिटेरियन एड भी जब जाती थी उस पर भी बॉम्बिंग की है चेयरमैन साहब, कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर भी ना आ जा सके, बच्चे जख्मी ख़वातीन जो अब सोशल मीडिया पे रोज़ ऐसे उनकी तस्वीर नज़र आती हैं, ऐसे वीडियोस आते हैं कि अब दिल दहल के रह जाता है कि 21वीं सदी में ये हम क्या मनाजिर देख रहे हैं, और फिर अपने अपने काम पर वापस जा रहे हैं क्योंकि और किसी ने कुछ करने का सोचा नहीं है, ना उन पर कोई रोकथामी है, बल्कि इस प्रेसिडेंट नेतन्याहू तो हर जगह पहुंच के अपनी वाहवाह करवा रहे हैं। तो आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, दोनों जहाँ जहाँ जेनोसाइड हो रहा है, और दो इलाकों में ऑक्यूपाइड इलाकों में दोनों मुसलमान हैं, आप सोचिए वहाँ हो रहा है, आप सोचिए कि कहीं और ऐसा होता, किसी वेस्टर्न नेशन पर इस तरह बॉम्बिंग की जाती, आप बताएं तो ये हाल होता, मजम्मत क्या, वहाँ तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स पहुँच चुके होते जो इस वक्त अब बरे सगीर में जंग के उसकी मंडलाएं खाना जंगी शुरू कर, वो एक पूरे मिडल ईस्ट बल्कि दुनिया को मुलविस कर दें, और इसी लपेट में, जंग की लपेट में, उसकी कवर में वो मजीद नस्ल कुशी करें और किसी फलस्तीनी को वहां जिंदा रहने की जगह ना दें। उनका प्रोजेक्ट यही है, इट इज़ अ सेटलर कॉलोनियलिज्म प्रोजेक्ट एंड मस्ट बी कॉल्ड बाय इट्स नेम, लाइक द इंडियन प्रोजेक्ट इन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, इंडियन कश्मीर, द वन दैट द पैलेस्टिनियंस आर फेसिंग सर इज ऑल्सो अ ब्रेजन नेकेड सेटलर कॉलोनियलिज्म प्रोजेक्ट ड्रिवन बाय द ब्रुटैलिटी ऑफ इलीगल बॉम्बिंग्स
illegal and extrajudicial killings and the stripping of all rights, especially the torture of those innocent civilians who have nowhere to go, who are living in open prisons in both these territories. Kashmir bhi, occupied Kashmir bhi ek khula jail hai ji, jahan hum tak khabar bhi nahi pahunchti kya ho raha hai. Aur yahi ho raha hai Palestine mein, jo bacha hai wahan se bhi ghar badar karna chahte hain, koi huquq nahi hai unke, pehle bhi nahi the. Koi bhi Israeli aake keh sakta hai kal, khatkhataye darwaza aur keh main yahan rahunga. कहीं दुनिया से वो फ्लाइट लैंड करे तेल अवीव में, उनको सिटीज़न का पासपोर्ट मिलता है उसी वक्त, और वो कहीं भी जाके फ़लस्तीन के इलाके में जाके उनको फ़लस्तीनियों को घर बदर करते हैं और कहते हैं ये अब हमारी सरजमीन है. तो हो ये रहा है ज़मीन पर, लेकिन उसके साथ साथ जो 21वीं सदी में नस्ल कुशी के दो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उस पर हमें, हम तो कम से कम खामोश तमाश भी नहीं बन सकते चेयरमैन साहब. और आपसे मैं ज़रूर ये कहूँगी कि हमने आज रेजोल्यूशन तो पास किया है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हर सेशन में इस पर हम ज़रूर बात करें और उनकी हौसला अफजाई करें, क्योंकि वो हमारी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि कम से कम पाकिस्तान जो है वो एक मुस्लिम मुल्क है जो खड़ा है. बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब. Palwa Shah was the mover of this resolution. I'm sorry, मैं आपको देता हूँ.